मेरे बताए हुए सिर्फ ये दो तरीके फॉलो कर लीजिए, आपका पुराने से पुराना कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, नसों की सूजन या मांसपेशियों की अकड़न सारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। और ये दो तरीके बहुत ही आसान है, इजीली आप इनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी सारी दर्द और तकलीफों को दूर करके अपनी लाइफ को खुशनुमा बना सकते हैं। तो देरी किस बात की, अगर आप भी ये तरीके जानना चाहते हैं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर लाया जाए। कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन जो इंटरनली खुशी होती है ना, वो पैसों से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। साथ में वीडियो करिएगा जमकर शेयर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है और बहुत सारे लोगों को आजकल के समय में ये जोड़ों की तकलीफ है, जिनको अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही आप बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब जानते हैं पहला तरीका, यानी तेल को बनाना कैसे है और किन चीजों की जरूरत है। इस तेल को बनाने के लिए आपको चाहिए गंदापुर तेल, लौंग, हल्दी, मिंथॉल। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमारे माइंड में कि इन सब की क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है, वो हमें नहीं पता। तो आपकी इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है मेरे पास। मैं आज आप लोगों के लेकर आई हूँ स्नोवा का जॉइंट केयर तेल, जो इन सारी आयुर्वेदिक चीजों से मिलकर बना है। अगर आप इनके फायदे गूगल भी करेंगे या बहुत से लोग एक्सपीरियंस होंगे, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि हल्दी का इस्तेमाल, तिल के तेल का इस्तेमाल, लौंग के तेल का इस्तेमाल या सिलाई गूगल है इसमें, उनका इस्तेमाल किस लिए होता है। ये सारे तेल क्या करते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, कहीं कहीं पे जहाँ स्पेस होता है वहाँ पे नसों में सूजन आने लगती है, क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के, उसकी वजह से हमें गठिया ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये उन सारी चीजों को ठीक करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और आपके ज्वाइंट पेन को विद इन अ मंथ काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देता है। अगर आप इस तेल को लगाएंगे तो एक महीने के अंदर आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लगने लगेंगे। इसके लिए आपको कहीं झंझटबाजी भी नहीं करनी, टाइम वेस्ट भी नहीं करना, बस बॉटल निकालनी है और इस तेल से मसाज करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, वो सब चीजें भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब ये तो था हमारी स्किन के ऊपर से इसको ट्रीटमेंट देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी दवाई भी है जो हर्बल है, उसको अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में जो इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं, जो वीकनेस है, उसको वो दूर करेगा। क्योंकि अगर आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो एक महीने में आपके दर्द, पुराने से पुराना गठिया कैसे गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमें बॉडी को अंदर से भी हील करना है और बाहर से भी हील करना है। तो अब इंटरनली हमें अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखना है, उसके लिए ये है स्नोवा का जॉइंट केयर टैबलेट। सबसे बड़ी बात, जो स्नोवा का जॉइंट केयर है, मैं आपको क्यों इतना रेफर कर रही हूँ और मेरी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस है, आपको इसको खाने से कोई प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात है, बल्कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स सिर्फ एक महीने में इतना ज्यादा मिलेगा कि आप नेक्स्ट टाइम खुद ब खुद इसको इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे। किन चीजों से मिलकर बना है ये, सिर्फ तीन चीजों से। सबसे पहली चीज क्या है इसमें, जो हर्बल चीज इसे मिली हुई है, वो है जड़ी बूटी हरजोड। हरजोड एक ऐसी जड़ी बूटी है, अगर आपकी हड्डी टूट भी गई है ना, उसको भी जोड़ने का दम रखती है ये जड़ी बूटी। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर जाके पूछ सकते हैं कि हरजोड का क्या यूज होता है। दूसरा क्या है इसमें, सिलाई गूगल। सिलाई गूगल क्या करता है, आपकी नसों की जो सूजन होती है, मांसपेशियों की अकड़न होती है, उसको ठीक करता है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे कि आपके जोड़ों का दर्द चुटकियों में गायब होने लगता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च। काली मिर्च क्या करती है, आपकी नसों की सूजन को खत्म करती है। अगर आपकी चोट आई है, चोट की वजह से दर्द है, या आपकी उम्र का तकाजे की वजह से आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो उसको ये अंदर से हील करती है। काली मिर्च, हरजोड और सिलाई गूगल इतनी इफेक्टिव चीज है। अगर मेरा वीडियो पे यकीन नहीं, तो अभी किसी आयुर्वेदिक स्टोर पे जाओ, गूगल करो, पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। और विद इन अ मंथ मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि अगर आप इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनली भी आपकी बॉडी हील होगी और आउटर तौर पे आप इस तेल से मसाज करके अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपको भी उठने बैठने में तकलीफ है, जोड़ों का दर्द बहुत टाइम से तकलीफ दे रहा है, चल नहीं पाते, किसी से बात करने में, या हमेशा आपको लगता है कि कैसे मुझे हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कोई सी भी अगर आपकी स्टेज है, तो आपको डिफरेंस फील होना इंस्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब जान लेते हैं इस गोली का सेवन कैसे करना है। आपको लेनी है इसकी एक टैबलेट सुबह खाना खाने के एक घंटे बाद, और ऐसे ही रात के खाना खाने के एक घंटे बाद आपको इसकी गोली लेकर सो जाना है, यानी रोजाना की दो गोली आपको लेनी है। लेकिन खाना खाने के बाद आपको 1 आवर का गैप मेंटेन करना है, उसके बाद ही इसको इनटेक करना है। तो आप इसे कुछ दिनों में देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि तेल को यूज कैसे करना है। इस तेल का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा अपने हथेली पे लेना है, और उसके बाद जहाँ भी आपके नसों में, घुटनों में या आपके
पैरों के तलों में कहीं पर भी आपके जहाँ भी दर्द और सूजन है वहाँ पे इससे आपको मसाज करनी है। हल्के हल्के हाथों से आप इसको मसाज करते जाइए। उसके बाद आप कोई भी गर्म कपड़े से अपने उस पोर्शन को कवर कर दीजिए, या कोई गर्म पजामी हो या आपके पास कुछ ऐसा सॉक्स हो वो उसके ऊपर से पहन लीजिए, ताकि थोड़ी देर उसकी तपश आपके स्किन में रहे और वो आपके स्किन तक अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए। अब जान लेते हैं इस तेल का इस्तेमाल करना कितनी बारी है। आप इस तेल का इस्तेमाल 3 से 4 दफा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको ये लेना कहाँ से है, मिलेगा कहाँ से, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इसके लिए मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। वीडियो के नीचे एक छोटा सा एरो होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस लिंक पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, जो भी मोड्स ऑफ पेमेंट होंगे आप वो सिलेक्ट करिए और अपने घर पर इसको मंगवा कर आज से ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए।